हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय न्यू वीडियो। तो आज हम डिस्कस करेंगे सल्फोनेशन के बारे में। तो आप लोग सभी जानते होंगे सल्फोनेशन का टर्म। तो इसमें क्या किया जाता है, एक सिंपल रिएक्शन मैं दूंगा जिससे कि आप सल्फोनेशन की मैकेनिज्म को समझ जाओगे। और सल्फोनेशन में जो हम अलग अलग कंपाउंड लेते हैं तो कौन सल्फोनेशन फास्ट करेगा, कौन सल्फोनेशन स्लो करेगा, ये ऑर्डर भी आपको मालूम होना चाहिए। कभी कभी आ जाता है इंक्रीजिंग ऑर्डर कि इसका रिएक्शन आप SO4 के साथ पे कर रहे हैं तो कौन फास्ट देगा, कौन स्लो देगा, वो सब चीजें इस पर देखेंगे हम। तो एक सिंपल रिएक्शन लिख लेते हैं जो कि मैं बेंजीन को लेकर के दे देता हूं आपको। देखिए जो रिएक्शन होती है क्या, बेंजीन आप किससे ट्रीट करते हैं, देखिए H2SO4 के साथ में। तो H2SO4 के साथ में करते हैं तो इसमें टेम्परेचर आप अराउंड 120 डिग्री सेंटीग्रेड, एक तो टेम्परेचर में ये दे रहे हो आपको। कंसनट्रेटेड H2SO4 अगर आप लेते हैं तो 120 डिग्री सेंटीग्रेड आप टेम्परेचर लेते हैं। तो कभी कभी देखिए आपने देखा होगा फ्यूमिंग H2SO4 लिखा जाता है, फ्यूमिंग H2SO4। तो फ्यूम्स माने उसमें जो है वेपर से निकल रही होती है, वो वेपर से किसकी होती है, सल्फर ट्राई ऑक्साइड की, SO3 की वेपर होती है। तो फ्यूमिंग H2SO4 मीन्स H2SO4 कंटेनिंग वेपर्स ऑफ SO3 सल्फर ट्राई ऑक्साइड की वेपर्स होती है। और कहीं कहीं पर आप देखते होंगे एक वर्ड और लिखा जाता है ओलियम वर्ड भी होता है। देखिए ओलियम मीन्स होता है H2SO4 है, कंसंट्रेटेड H2SO4 है, उसमें SO3 की जो है वेपर्स पड़ी हुई है, SO3 उसमें पड़ा हुआ है। तो जब आप उसकी बोतल को खोलते हैं तो उसमें वेपर निकलती है। कभी अगर आप लैब में जाए तो देखिए उसको, तो ओलियम की अगर बोतल आप ऑन करें या फ्यूमिंग H2SO4 फ्रेशली प्रिपेयर्ड H2SO4 की अगर आप बोतल को खोलें तो उसमें से जो फ्यूम्स निकलती है वो सल्फर ट्राई ऑक्साइड की होती है। कभी आपने देखा होगा ओलियम, देखिए मैंने कहा कि ओलियम में जो होगा H2SO4 में किसकी वेपर पड़ी होगी, SO3 की वेपर, ठीक है ना, सल्फर ट्राई ऑक्साइड उसमें पड़ा होगा। तो अब आप कभी कंबाइंड अगर इसको करें, देखिए H2SO4 और SO3 को ऐड कर लो जरा, H2 ऐसे में ऐड कर देता हूं, देखिए H2SO4 और SO3 दोनों को ऐड कर देते हैं मैथमेटिकली, जो ऐड कर देंगे ऑक्सीजन 4 है, ऑक्सीजन 3 है, तो ऑक्सीजन कितने हो गए टोटल 7, एस और एस 2S हो गए, H2S2O7, ठीक है। तो ओलियम का फॉर्मूला अभी आपको मालूम होना चाहिए कि H2S2O7 करके लिखा भी जाता है, क्लियर हो गया ना। तो आप देख रहे हैं कंसंट्रेटेड H2SO4 के साथ पे जब रिएक्शन करते हैं 120 डिग्री सेंटीग्रेड में, तो और फ्यूमिंग H2SO4 अगर ले रहे हैं या ओलियम अगर ले रहे हैं तो रूम टेम्परेचर में भी रिएक्शन हो जाती है, क्यों, क्योंकि उसमें SO3 बना होता है, ठीक है, इसमें बनाना होता है, जब बनाना होता है तो आपको टेम्परेचर लेना होता है ज्यादा, ठीक है ना, हाई टेम्परेचर पर वो रिएक्शन होती है और जो कंपाउंड बन जाता है वो ये बन जाता है, ये आ जाएगा आपका SO3H, आप कहीं भी लगा दीजिए, चलो मैं यहां लगा देता हूं SO3H, यहां पे लग जाएगा, ठीक है। नाम होगा क्या, ये था बेंजीन, बेंजीन है, तो ये बेंजीन सल्फोनिक एसिड, बेंजीन सल्फोनिक एसिड, ठीक है। तो इतना तो सभी बच्चों को मालूम होता है। नाउ हम डिस्कस क्या करेंगे, सबसे इंपॉर्टेंट है यहाँ पे मैकेनिज्म, ठीक है, मैकेनिज्म आपको बताऊंगा, ध्यान से देखिएगा मैकेनिज्म को, कहीं पर भी अगर आपको कंफ्यूजन लगता है मैकेनिज्म, आप कमेंट बॉक्स पे आप जो है क्वेश्चन भेज सकते हैं जिसका कि मैं आंसर आपको दे दूंगा वहां पे। तो मैकेनिज्म का जो पहला स्टेप होता है देखिए वो होता है आपका फॉर्मेशन ऑफ एन इलेक्ट्रोफाइल, फॉर्मेशन ऑफ एन इलेक्ट्रोफाइल, इलेक्ट्रोफाइल का फॉर्मेशन आपको करना है तो इलेक्ट्रोफाइल किससे बनेगा, H2SO4 से मिलेगा, ठीक है ना। जैसे फ्यूमिंग H2SO4 अगर आप ले लेंगे तो इलेक्ट्रोफाइल बना हुआ होता है क्योंकि SO3 की स्मेल उसमें होती है, तो SO3 की फ्यूम्स उसमें पड़ी होती है, SO3 का मॉलिक्यूल उसमें होता है, तो वो डायरेक्टली रिएक्शन कर जाएगा और रिएक्शन जल्दी भी हो जाएगा, ठीक है। लेकिन मैं यहाँ पे आपको SO3 बनना भी बताऊंगा क्योंकि इलेक्ट्रोफाइल क्या होता है, यहाँ पर SO3 होता है। तो देखिए कैसे आपको बनाना होता है, H2SO4 के दो मॉलिक्यूल लेंगे, एक H2SO4 दूसरे H2SO4 से SO3 को बनाने में हेल्प करेगा, ठीक है। कैसे, देखिए हम एक H2SO4 पूरा बना देते हैं, उसका स्ट्रक्चर ही पूरा बना देते, एस डबल बॉन्ड ओ, डबल बॉन्ड ओ, ओ एच, OH, ये तो स्ट्रक्चर है आपका किसका, H2SO4 का। मैंने कहा कि एक H2SO4 दूसरे H2SO4 की हेल्प करेगा, क्योंकि आप अगर इसको वन मोल भी लेते हैं तो देयर आर
6.023 × 10⁻²⁰ मॉलिक्यूल होते हैं, इसलिए कहां से आया दो मॉलिक्यूल, आपको ये कंफ्यूजन नहीं करना है। ओके, लेट ये H2SO4, ये वाला H2SO4 जो है, इस H2SO4 को क्या देता है, H+ देता है। तो H+ जो ये H+ प्रोवाइड करेगा, यानी कि प्रोटॉन जो प्रोवाइड करेगा, क्योंकि उस पर पॉजिटिव चार्ज होगा, पॉजिटिव चार्ज स्पीशीज क्या होती है, इलेक्ट्रोफाइल होती है। वो यहां पर इलेक्ट्रोफाइल कहां-कहां अटैक करेगा, देखिए पोजीशन में बता देता हूं। ऑक्सीजन के पास में वो अटैक कर सकता है, इस ऑक्सीजन के पास में वो अटैक कर सकता है, इस ऑक्सीजन के पास में वो अटैक कर सकता है, इस ऑक्सीजन के पास में वो अटैक कर सकता है। यहां पर जितने भी ऑक्सीजन है सभी के पास में दो दो लोन पेयर है, ठीक है। तो ये H2SO4 एक H+ देगा, वो H+ आप अगर यहां पर अटैक करके भी आगे रिएक्शन को बढ़ाते हैं तो प्रोडक्ट लास्ट में SO3 आना है। इनके साथ में भी अगर आप उसको ऐड कराते हैं H+ को, तो भी प्रोडक्ट लास्ट में हमारा SO3 ही आना है। कैसे वो देखिए, तो मैं थोड़ा सा पूरी केमिस्ट्री के कंसेप्ट को समझाने के लिए मैं क्या करता हूं, देखिए थोड़ा सा लॉन्ग वे जाता हूं। लॉन्ग वे क्यों, ऐसा आपको बुक्स में तो मिलेगा नहीं जिस तरह का मैं यहां पर बताना चाह रहा हूं, लेकिन आपको केमिस्ट्री के कंसेप्ट को समझने में यह हेल्प करेगा, जिससे कि आप इलेक्ट्रॉनों के साथ में किस तरह से मॉलिक्यूल, इलेक्ट्रॉनों और मॉलिक्यूल के बीच में इंटरेक्शन किस तरह से किया जाता है, या इलेक्ट्रॉनों से कैसे खेला जाता है केमिस्ट्री में, वो आपको समझ में आएगा। अगर हम कंपेयर करें, एक ऑक्सीजन देखिए, ये दोनों ऑक्सीजन तो एक जैसे हैं, ये दोनों ऑक्सीजन एक जैसे हैं। इट मींस देयर आर टू टाइप ऑफ ऑक्सीजन। अगर आपसे ये कहा जाता है कि डबल बॉन्डेड ओ है और एक सिंगल बॉन्डेड ओ एच वाला जो ओ है वो है, इन दोनों में से किसमें इलेक्ट्रॉन की डेंसिटी ज्यादा है, अगर ये कहा जाए तो आपका आंसर होना चाहिए डबल बॉन्ड ओ, ठीक है ना, क्योंकि इसमें क्या है, दो लोन पेयर यहां भी हैं, दो लोन पेयर यहां भी हैं, दो लोन पेयर इसके पास भी हैं, दो लोन पेयर इसके पास भी हैं, लेकिन डबल बॉन्डेड वाले में क्या है, दो लोन पेयर के साथ में एक क्या पाई बॉन्ड भी है। तो इट मीन्स इसके चारों तरफ, इसके अराउंड में जो है, सराउंडिंग में इलेक्ट्रॉन की डेंसिटी ज्यादा है, तो ऑब्वियसली जो ये H+ देगा वो या तो इस डबल बॉन्डेड में लगेगा या एकदम दोनों की इक्विवेलेंट है, ठीक है। हम इसमें किसी में एक में ऐड कर देते हैं, देखिए यहां पे मैं ऐड कर दे रहा हूं, ये H+ इसके पास जाएगा तो ये एक इलेक्ट्रॉन पहले लेगा, ठीक है, फिर जो एक बचेगा उस इलेक्ट्रॉन के साथ वो क्या बना लेगा, बॉन्ड बना लेगा, तो ऑक्सीजन में क्या जाएगा, पॉजिटिव चार्ज। तो देखिए कैसे, HOS डबल बॉन्ड O, ये बॉन्ड बन गया, लोन पेयर अपनी जगह बना रहेगा पॉजिटिव, यहां डबल बॉन्ड O, ये OH अपनी जगह रहेगा। तो ध्यान से उसको देखिए, जो ये पूरा स्पीशीज हमने वैसा ही रखा, इसने H+ लिया, ये एक जैसे मैं यहां पे आपको बता दूं, ये H+ जब इसके पास गया, इसके पास कोई इलेक्ट्रॉन है ही नहीं, बिना इलेक्ट्रॉनों के उसके पास चला गया, देखिए H+ ने कितनी बड़ी बेवकूफी कर रखी है कि बिना इलेक्ट्रॉन के पास उसके पास चला गया, जबकि बिना इलेक्ट्रॉनों के बॉन्डिंग पॉसिबल है क्या, बिल्कुल भी पॉसिबल नहीं है। पहले यहां से वो एक इलेक्ट्रॉन इसको देगा, एक इलेक्ट्रॉन इसको देगा, इसको देगा माने ये पॉजिटिव खत्म होगा, ये पॉजिटिव किसके पास चला गया, यहां पर, फिर ये जो ऑड इलेक्ट्रॉन है और ये इलेक्ट्रॉन इन दोनों के बीच क्या हो जाएगी, बॉन्डिंग हो जाएगी, वो हमने यहां पर बनाया है, मैं इसको रिप्लेस कर दे रहा हूं। ओके, ये बन गया, अब आपका क्या होगा, एक तरह से ऑक्सोनियम आयन तो बना हुआ है, जो ये बची हुई स्पीसीज है ये क्या होगी, HSO4 नेगेटिव, क्योंकि इसमें से H+ निकल के इधर आ गया। अब हमने मेनली इसको लेके जाना है, वो देखिएगा मैं इसी में आगे बना दे रहा हूं। तो ये जो पाई बॉन्ड है, अब जब ऑक्सीजन में पॉजिटिव आ गया है तो ये ऑक्सीजन बहुत ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव हो जाता है, तो ये पाई बॉन्ड को अपनी ओर खींच रहा है, जब ये पाई बॉन्ड को अपनी ओर खींचेगा तो बताइए सल्फर में इलेक्ट्रॉनों की कमी होगी ना, तो सल्फर में क्या आ जाएगा, एक तरह का पॉजिटिव आ जाएगा। तो आप देखिए इस तरह से आप OH ये पॉजिटिव हो गया, यहां OH ही रखते हैं डबल बॉन्ड O, और यहां पर जो है इस तरह से आता है। यहां पर मैं आपको सभी स्टेप दिखा रहा हूं, देखिए ये बीच में कुछ चीजें आइसोलेट नहीं की गई है, केमिस्ट्री में जब लैब में रिएक्शन होती है तो ये कोई भी चीजें आइसोलेट नहीं की गई है, लेकिन केमिस्ट्री के कंसेप्ट को समझने के लिए सब चीजें मैं आपको बीच में बता रहा हूं। आप जो है कोई जरूरी नहीं है कि कोई स्टेप आप ओमिट भी कर सकते हैं, उसको से हटा भी सकते हैं, और डायरेक्ट जो है जैसे अभी मैं देख रहा हूं कि अगर ये स्टेप ना बनाए इससे आगे वाला सीधे बना देते तो वो भी आपके लिए केमिस्ट्री का बहुत सही मैकेनिज्म माना जाएगा, ठीक है ना। अब देखिए इसके बाद क्या होता है, देखो जैसे सल्फर में पॉजिटिव आता है तो ये वो क्या करता है, जो ये ऑक्सीजन में यहां पर देख रहे हैं आप,
जो OH वाले ऑक्सीजन है उसके लोन पेयर को अपनी ओर खींच लेता है। ठीक है, अब क्या होगा देखिए, जब इसके लोन पेयर को ये अपनी ओर खींचेगा, ओके, तो इसमें क्या चार्ज आ जाएगा बोलो, पॉजिटिव। देखिए और इंटरेस्टिंग, एच ओ एस ओ एच पॉजिटिव पे, क्योंकि पॉजिटिव खत्म हो जाएगा, ठीक है ना, डबल बॉन्ड हो, ठीक हो गया, यहां पर एच, यहां पे एक लोन पेयर यहां यूज हो गया, तो एक लोन पेयर बचा, पॉजिटिव चार्ज, डबल बॉन्ड हो। देखिए काफी इंटरेस्टिंग है, जितने बॉन्ड चल रहे हैं वही चल रहे हैं, देखें सल्फर के साथ में 1 2 3 4 5 6 बॉन्ड, 1 2 3 4 5 6 बॉन्ड, यहां भी वही है, यहां भी वही है, कहीं कोई प्रॉब्लम नहीं, ठीक है ना। अब होता है कि यहां पर जरूर कम होगा बॉन्ड, 1 2 3 4 5 क्योंकि पॉजिटिव है, ठीक है ना। इसके बाद आपको क्या करना है, जैसे ऑक्सीजन में पॉजिटिव आता है, जैसे कि मैंने बोला है वो ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव हो जाता है, तो ये ओ और एच के बीच का बॉन्ड वो अपनी ओर खींचता है। फिर एच कहां गया देखो, अब इंटरेस्टिंग अब आया, देखिए एच प्लस जो आया ना वो एच एसओ फोर नेगेटिव लेके चला जाएगा, देखो एच एसओ फोर नेगेटिव, इट मीन्स एच प्लस इससे जुड़ जाएगा तो क्या बन जाएगा, एच टू एसओ फोर वापस हो गया। देखिए केवल केवल इस मॉलिक्यूल की हेल्प ली जा रही है, ये अपने आप में वापस कर दिया आपने, तो आपका बचा क्या देखो, एच ओ एस ओ एच डबल बॉन्ड ओ और एस डबल बॉन्ड ओ। अब अगर आप देखें, देखिए अब आप क्या देख रहे हैं, देखिए ये वाला जो अभी बना है, अगर मैं इसको नंबर वन बोलूं और इसको नंबर टू बोल दूं, जब नंबर वन और नंबर टू को देखिए तो एक जैसे मिलेगी आपको, नंबर वन और नंबर टू देखो, ओ एच ओ एच एस डबल बॉन्ड ओ एस डबल बॉन्ड ओ। तो इसलिए मैंने आपसे क्या बोला कि कुछ स्टेप अभी हम ओमिट कर देंगे इसको, ठीक है, लेकिन केमिस्ट्री को समझने के लिए बड़े जरूरी थे। अब इसके बाद क्या होता देखो, यहीं पे और इंटरेस्टिंग क्या है, देखिए एक तो ये बन गया, मैं यहीं पर से चेंज कर रहा हूं इसको देखो, क्योंकि स्टेप को कुछ ये समझने के लिए आपको जो मैंने बताया, अब मैं स्टेप को यहां से थोड़ा सा एक दूसरे वे में लेके जा रहा हूं, देखो जिससे कि आपको मैकेनिज्म और ज्यादा समझ में आए। यहां तक हम बिल्कुल इक्विवेलेंट है, यहां से आप फाइनल प्रोडक्ट की तरफ जाएंगे। ये जब यहां आता है ना, तो आप ये एच जो है किसको दे देते हो, जो ओ एच है दोनों उनमें से किसी एक के पास भी चला जाता है। देखिए एस ओ एच ओ एच ये पॉजिटिव आ गया, ठीक है ना, ये ओ एच अपनी जगह बना रहेगा, एस डबल बॉन्ड ओ हो गया, ये डबल बॉन्ड ओ हो गया, ओके। अब जब ये इस पर पॉजिटिव आ गया है तो ये क्या हो जाएगा, मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव होगा, तो ये वाला बॉन्ड कहां शिफ्ट करेगा आपका, ऑक्सीजन की तरफ, तो आप क्या आ जाएगा देखिए, वाटर आउट हो गया, देखो वाटर आउट हो गया ना, तो सल्फर में क्या चार्ज आएगा आपका, पॉजिटिव आ जाएगा, सल्फर में पॉजिटिव आएगा तो होता गया इमीडिएटली, और क्या होता है, मैंने कहा मैं इस स्टेप को हटा रहा हूं यहां से, देखिए ये स्टेप मैंने आपको, अगर आप यहां से इधर को चलेंगे तो वापस हो जाएगा, ये इस स्टेप को हटा करके आप दूसरी, क्योंकि वन और टू बराबर आ गया, ठीक है, हम यहां को अगर जाएंगे तो हम ओरिजिनल जगह पर पहुंच जाएंगे, इसलिए हम उस रूट को न लेकर के हम यहां पर से रूट को क्या करेंगे, थोड़ा सा चेंज करेंगे। मैंने केमिस्ट्री समझाने के लिए आपको यहां तक बताया, ठीक है, यहां से आपको क्या करना, देखो आप यहां पे ये वाटर आउट हो गया, देखो जैसे सल्फर में पॉजिटिव आ गया, ठीक है, सल्फर में पॉजिटिव आया तो ये ओ और एच के बीच का बॉन्ड यहां शिफ्ट करेगा, दो चीजें संसद हो रही, देखिए जो यहां पर ये आया, ये एच इसके पास गया, चाहे इसके पास भेजे या इसके पास भेजे, मैंने इसके पास भेजा हुआ है, ठीक है, तो ये पॉजिटिव आ गया, जैसे ही पॉजिटिव आया तो ये वाला आपका बॉन्ड कहां शिफ्ट किया, ऑक्सीजन की तरफ, तो सल्फर में क्या आया, पॉजिटिव आया, सल्फर में पॉजिटिव आया तो ओ और एच के बीच का बॉन्ड कहां शिफ्ट किया, सल्फर की तरफ को, ठीक है ना, यहां पे डबल बॉन्ड आ गया, तो ये जो एच प्लस है वो किसके पास गया, वही एच एस एस ओ फोर नेगेटिव के पास, ठीक है ना, तो यहां पर एक तो माइनस एच टू हो गया, ये नीचे लिख देते हैं, और एक हम यहां पर लिख देते हैं एच एस ओ फोर नेगेटिव के साथ, ये एच प्लस गया एच एस ओ फोर नेगेटिव के साथ में, जो मैंने यहां भी शो किया था, तो वो तो एच टू एस ओ फोर हो गया, एक माइनस एच टू एस ओ फोर लिख देते हैं, ठीक हो गया ना, और एक एच टू निकल गया, तो यहां बना गया, देखिए ये बॉन्ड यहां गया क्योंकि यहां पॉजिटिव आ गया, तो यहां डबल बॉन्ड हुआ, आ गया डबल बॉन्ड हुआ, डबल बॉन्ड हुआ, ठीक है ना, तो पूरा का पूरा क्या बना, एसओ थ्री, एसओ थ्री को पूरा लिख दे रहे, देखिए एस डबल बॉन्ड हो डबल बॉन्ड हो डबल बॉन्ड हो सल्फर ट्राई ऑक्साइड, ओके, देखिए ध्यान से उसको समझना है,
पूरी केमिस्ट्री को एक्सप्लेन करने के लिए आपको मैंने कुछ रूट्स बताए हैं। देखिए ये पूरा का पूरा स्टेप है फॉर्मेशन ऑफ एन इलेक्ट्रोफाइल का। आपने दो मॉलिक्यूल ले रहे हैं, आपको जो केमिस्ट्री पॉइंट ऑफ व्यू में जो लगता है उसी के अकॉर्डिंग हम चले, क्योंकि कुछ बच्चे कहते हैं सर डबल बॉन्ड ओ के साथ में जो है इलेक्ट्रॉन की डेंसिटी ज्यादा है, तो हमने वही किया। देखिए ठीक है ना, फिर जो होना था पॉजिटिव में ऑक्सीजन में पॉजिटिव आए तो पाई बॉन्ड यहां शिफ्ट कर गया, तो उसके बाद हमने ये स्पीसीज बना दी। ठीक है ना, उसके बाद ये बनाया तो फिर ये बॉन्ड आपका कहां लोन पेयर यहां शिफ्ट किया सल्फर पॉजिटिव पे, तो फिर आपने डबल बॉन्ड बनाया। फिर आप यहां से शिफ्ट करें और ये अगर आप SSO4 नेगेटिव जो वहां है उसको दे देते हो आप ओरिजिनल जगह पर पहुंच जाते हैं। देखिए वहीं पे ठीक है ना, SSO4 भी मिल जाता है ये भी। तो इसलिए हम इस रूट को यहां से यहां ना जाकर के हम एक अल्टरनेटिव रूट जिससे कि हमें क्या बनाना है आपको SO3 क्रिएट करना, उस वाले रूट पे होते हुए जाएंगे। आपको मैंने बता दिया कि इस रूट में क्यों नहीं जाना है, क्योंकि इस रूट में आप जाएंगे तो आप साइकिल फॉर्म में पहले ही आ जाएंगे। ठीक है ना, तो यहां को आप जाएंगे ये एच बाहर न करके अंदर ही आप क्या करेंगे OH के पास में ले आएंगे। ओके, O पे पॉजिटिव आएगा तो ये बॉन्ड यहां शिफ्ट करेंगे, S में पॉजिटिव आएगा तो O और H के बीच का बॉन्ड कहां शिफ्ट करेगा टुवर्ड्स सल्फर, तो इससे क्या हो गया आपका एक तो H2O बन गया यहां से और ये H+ कौन लेके चला जाएगा SO4 नेगेटिव, SO4 आउट हो गया और जो SO4 आपको वापस करना है ये वापस करना है वापस भी कर दिया आपने। ठीक, तो ये आपका सल्फर ट्राईऑक्साइड बन गया। अब अधिकतर बच्चे कहते हैं कि सर सल्फर ट्राईऑक्साइड इलेक्ट्रोफाइल कैसे हुआ, ये तो इलेक्ट्रोफाइल है, इलेक्ट्रोफाइल है, इलेक्ट्रोफाइल माने क्या होता है इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट स्पीसीज। अब सल्फर में तो वो क्या है, देखिए इलेक्ट्रॉन आप 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12 सल्फर के पास तो 12 इलेक्ट्रॉन है, तो इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट कैसे हो गया, तो आपको ये मालूम होना चाहिए कि जो सल्फर है सल्फर में आप जब इसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फिगरेशन बनाते हैं तो ये जो है कौन सा ऑर्बिट इसमें होता है थर्ड ऑर्बिट। ठीक है ना, लास्ट में जो ऑर्बिट होता है वो कौन सा ऑर्बिट है थर्ड ऑर्बिट। थर्ड ऑर्बिट में मैक्सिमम कितने इलेक्ट्रॉन होने चाहिए 18, अभी तो 12 ही है, इट मींस स्टिल 6 इलेक्ट्रॉन कैन बी अकोमोडेटेड, यानी कि 6 इलेक्ट्रॉन और अकोमोडेट हो सकते हैं, इसीलिए 6 इलेक्ट्रॉन अकोमोडेट हो सकते हैं, ऑर्बिटल भी अवेलेबल है उसके पास में क्योंकि डी ऑर्बिटल अवेलेबल है उसके पास में। इस वजह से डी ऑर्बिटल जो उसमें वैकेंट है उन डी ऑर्बिटल में इलेक्ट्रॉन की जरूरत है, इस वजह से इलेक्ट्रोफाइल की तरह काम करता है। और आपको हम बता दें इसमें देखिए कुछ चीजें और इंटरेस्टिंग है, सल्फर का जो है ना देखिए एक सिग्मा 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 तीन सिग्मा बॉन्ड है सल्फर की, जो हाइब्रिड स्टेट यहां पे आपको दिख रही है sp2, इसका मतलब सल्फर का एक पी जो ऑर्बिटल है वो अभी खाली है, वो पी ऑर्बिटल देखिए जो ये पाई बॉन्ड है यहां पे एक इसका पी ऑर्बिटल और एक इसका पी ऑर्बिटल, ये तो एक तो पाई बॉन्ड जो है पी पाई पाई बॉन्ड है। ठीक है, बट These two pi bonds, जो दो बचे हुए पाई बॉन्ड है जैसे ये वाला पाई बॉन्ड है क्योंकि पी तो खत्म हो गए सल्फर के, तो ये इसका आया डी ऑर्बिटल और इसका आया पी ऑर्बिटल और यहां पर भी इसका डी ऑर्बिटल आया और इसका क्या आया पी ऑर्बिटल। ठीक है ना, तो सल्फर में दो पाई बॉन्ड तो है डी पाई पी पाई और एक पाई बॉन्ड है पी पाई पी पाई। ओके, जो पी ऑर्बिटल आपका बचा हुआ देखिए sp2 हाइब्रिड स्टेट है। ठीक है ना, तो एक पी ऑर्बिटल बचा हुआ है वो ये बना। तो फिलहाल तो आपको इतना बता दूं कि दो डी ऑर्बिटल यूज हुए हैं, अभी तीन डी ऑर्बिटल जो है आपके क्या हैं बचे हैं, उसमें तीन डी ऑर्बिटल में कितने इलेक्ट्रॉन अकोमोडेट हो सकते हैं 3 to 6, इसीलिए मैंने कहा कि 6 इलेक्ट्रॉन उसमें आ सकते हैं। इसको ध्यान से आपको समझना है ये इलेक्ट्रोफाइल क्यों है। ठीक है ना, अब ये इलेक्ट्रोफाइल किस पर अटैक करेगा बेंजीन रिंग में, तो अब नेक्स्ट दूसरा स्टेप देखिए, पहला स्टेप हमने बताया था आपको फॉर्मेशन ऑफ एन इलेक्ट्रोफाइल, अब दूसरा स्टेप इलेक्ट्रोफाइल अटैक ऑन बेंजीन रिंग, तो बेंजीन रिंग में जब ये अटैक करेगा तो क्या बन जाएगा वो भी देखिएगा। दूसरा स्टेप है बेंजीन रिंग ले रहे हैं डबल बॉन्ड डबल बॉन्ड डबल बॉन्ड सल्फर ट्राईऑक्साइड पूरा ही बना देते हैं इसको, ये हो गया। तो अब आप ये तो जानते हैं कि ये इलेक्ट्रोफाइल है और बेंजीन रिंग में इलेक्ट्रॉन की डेंसिटी बहुत ज्यादा है, तो ये कोई भी पाई बॉन्ड देखिए बिकॉज ऑल आर इक्विवेलेंट, कोई भी पहले से कोई सब्सट्रेट तो इसमें है नहीं। ठीक है ना, तो पाई बॉन्ड जो है कहीं भी आप शिफ्ट कर दीजिए, लेट मैंने ऐसे शिफ्ट कर दिया।
अब पाइकॉन को यहां शिफ्ट किया, अब इसको हम ऐसे भी शिफ्ट नहीं करते थे, तो कुछ चीजें हमें और क्लियर होनी है, क्योंकि इलेक्ट्रॉन की जरूरत इसको थोड़ी है, ठीक है ना, इलेक्ट्रॉन की जरूरत किसको है, इसको जरूरत है। ओके, तो ये क्या करता है, देखिए ये इलेक्ट्रॉन जो पाई बॉन्ड है यहाँ पे, पाई इलेक्ट्रॉन जो है, पाई इलेक्ट्रॉन को कौन खींचता है, जो सल्फर के जो है आपके ऑर्बिटल्स हैं, जो खाली ऑर्बिटल्स हैं, ठीक है। तो जब सल्फर के खाली ऑर्बिटल्स जो है उन इलेक्ट्रॉन को खींचेंगे, तो ये किसी कार्बन में लग करके ये क्या करता है, अपने इन जो इलेक्ट्रॉनों को किसी पर्टिकुलर कार्बन में शिफ्ट कर देता है, उसके साथ में खुद जुड़ जाता है, तो ये बन जाता है। ये डबल बॉन्ड बना रहेगा, ठीक है, तो ये पाई बॉन्ड किसी एक कार्बन में ये शिफ्ट करेगा। ओके, तो एक एच तो यहां पर होता ही है, एस, अब ध्यान से देखिएगा, यहां पर इंटरेस्टिंग है, जैसे ही ये पाई बॉन्ड, आप पाई बॉन्ड के साथ में ये बॉन्ड बनाता है, तो आपका ये वाला जो पाई बॉन्ड जो है वो कहां शिफ्ट हो जाता है, नेक्स्ट कार्बन पे शिफ्ट हो जाता है, ठीक है। तो यहां पर बन जाता, देखो डबल बॉन्ड हो, डबल बॉन्ड हो, ये बना रहेगा, डबल बॉन्ड हो, डबल बॉन्ड हो, ये बना रहेगा, यहां पर आ जाएगा आपका ओ नेगेटिव। ओके, और एक कुछ चीज छूट गई है, देखिए वैसे ही पता चल जाएगा आपको क्या छूटा हुआ है, क्योंकि आपने पाई बॉन्ड यहां को शिफ्ट किया, ओके, तो यहां पर इलेक्ट्रॉन की डेफिशिएंसी होगी, तो ये पॉजिटिव आएगा, ठीक है। और जो ये बना हुआ है इसको हम क्या बोलते हैं, सिग्मा कॉम्प्लेक्स भी बोलते हैं। देखो सिग्मा कॉम्प्लेक्स क्यों बोला जाता है, क्योंकि आप देख रहे हैं ये जो आपका कार्बन है, एक तो ये sp3 हाइब्रिडाइज्ड है, और इस रीजन में रेजोनेंस की पॉसिबिलिटी नहीं है। आप देखेंगे इस रीजन में, ये वाले रीजन की बात कर रहा हूं, यहां तक और यहां तक, इस रीजन में देखिए यहां तक आपका कॉन्जुगेशन है, यहां पर तक रेजोनेंस हो सकता है। जैसे इसका अगर रेजोनेंस हम बनाए, अगर इस पाई बॉन्ड को यहां शिफ्ट करें, तो पॉजिटिव यहां आ जाएगा, ये हो गया, और ये आ जाएगा एच, एस डबल बॉन्ड हो, डबल बॉन्ड हो, ओ नेगेटिव, ओके, और एक रेजोनेंस बनेगा, ये पाई बॉन्ड यहां शिफ्ट करेगा, तो पॉजिटिव यहां आ जाएगा, डबल बॉन्ड, डबल बॉन्ड, यहां पे पॉजिटिव आ गया एच, और यहां पे आ गया एस डबल बॉन्ड हो, डबल बॉन्ड हो, ओ नेगेटिव। ओके, ये सिग्मा कॉम्प्लेक्स है, सिग्मा कॉम्प्लेक्स के रेजोनेंस आपके सामने आ गए, ठीक। तो उसके बाद होता क्या है, देखिए लास्ट इसके बाद का स्टेप हम बनाते हैं, जो ये वाला जो लेके चलते हैं, जो पहला वाला, उसको मैं यहां पे दोबारा से लिख दे रहा हूं, पॉजिटिव डबल बॉन्ड, डबल बॉन्ड एच, एच डबल बॉन्ड ओ, डबल बॉन्ड ओ, ओ नेगेटिव। जो सी एच बॉन्ड है ये शिफ्ट करेगा टुवर्ड्स द रिंग, देखिए ये पॉजिटिव कार्बन जो है सी एच सिग्मा बॉन्ड को अपनी ओर खींचेगा, तो इससे ये डबल बॉन्ड आ जाएगा और ये एच इसके पास आ जाएगा, ये लास्ट स्टेप रहेगा इसका, तो एस डबल बॉन्ड हो, ओ एच, तो जो ये ओ एच है आपका, ये वो एच यहां पर जो एच आया वो कहां का एच आया, सी एच वाला जो बॉन्ड था वो किसकी तरफ शिफ्ट हो गया आपका, बेंजीन की तरफ शिफ्ट हुआ। जैसे बेंजीन की तरफ ये शिफ्ट किया, तो आपने क्या कर दिया, ये एच जो है एज ए प्रोटॉन, ये जो एज ए प्रोटॉन आपने कहां शिफ्ट किया, ओ नेगेटिव पर, ठीक है, तो ओ नेगेटिव पर जैसे शिफ्ट करेंगे आप, तो ये कंपाउंड आपका फाइनल फॉर्म करेगा। अब इसी तरह से कुछ क्वेश्चन से एक आ जाते हैं कि कभी कभी ये पूछा जाता, देखो एक मैंने कंपाउंड दे दिया बेंजीन, एक कंपाउंड दे दिया मैंने आपको CH3 यानी कि टॉलुइन लगा हुआ, और एक कंपाउंड आपको दे दिया NO2 लगा हुआ, तो आपसे पूछा जाएगा कि इन तीनों में जो ऑर्डर होगा सल्फोनेशन का, वो सबसे फास्ट सल्फोनेशन किसमें होगा, तो अब आप ये देखेंगे कि बेंजीन रिंग में जिसमें भी इलेक्ट्रॉन की डेंसिटी ज्यादा होगी वही सबसे फास्ट जो है यहां पर सल्फोनेशन देगा, क्यों, क्योंकि जो इलेक्ट्रोफाइल आपने अटैक किया था बेंजीन रिंग में, वो इलेक्ट्रॉनों को लेने के लिए जहां पर भी इलेक्ट्रॉन ज्यादा होंगे वहीं पे वो अटैक करेगा। तो इन तीनों में अगर आप देखते हैं तो CH3 का इफेक्ट जो होता प्लस का इफेक्ट है, टुवर्ड्स रिंग वो इलेक्ट्रॉनों को शिफ्ट करता है, रिलीज करता है,
तो यहाँ पर इलेक्ट्रॉन की डेंसिटी बहुत ज्यादा होगी। तो ये और NO2 का इफेक्ट क्या होता है, देखिए बाहर की तरफ कोई इलेक्ट्रॉन लेता है, माइनस एम इफेक्ट होता है एक तरह का, माइनस आई या माइनस एम अगर आप समझते हैं तो उसको आप इलेक्ट्रॉनों को बाहर की तरफ को खींचता है, तो इससे ये तो बहुत कम हो जाएगा। सबसे ज्यादा इन तीनों में देखो बेंजीन रिंग से ज्यादा होगा टॉल्विन वाला, और टॉल्विन जो है नाइट्रो से भी ज्यादा होगा, नाइट्रो बेंजीन से ज्यादा होगा। तो ऑर्डर इसमें रहेगा सबसे ज्यादा होगा किसका, नंबर वन सबसे ज्यादा होगा टॉल्विन, फिर दूसरे नंबर पे आएगा कौन, बेंजीन, सबसे कम रिएक्ट करेगा कौन, नाइट्रो बेंजीन। तो इस तरह से आप इस सल्फोनेशन के रिएक्शन को समझ सकते हैं। ओके, थैंक यू वेरी मच।